पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को सलाह दी है कि वह उनके ऊपर लगे आरोपों की जांच पूरी होने दें और राजनीति से संन्यास लेने के लिए उतावलापन न दिखाएं। ये बात उन्होंने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। पूर्व सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि उन्होंने कभी सुक्खू पर आरोप नहीं लगाया और यह आरोप नादौन के दो भाई बहन ने सबूतों के आधार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पत्रकार वार्ता के दौरान उनसे इस बारे में किसी ने पूछा तो उन्होंने उसी का जवाब दिया था, जिसके बाद सुक्खू ने राजनीति से संन्यास लेने की बात तो कह दी है। उन्होंने कहा कि सीएम वीरभद्र सिंह ने भी पूरे मामले की जांच करवाने को कह दिया है और अगर जांच में वह दोषी पाए जाते हैं और अगर नहीं पाए जाते तो क्लीन चिट मिल जाएगी, लेकिन संन्यास लेने के लिए उतावलापन क्यों दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सुक्खू मेरे बारे में चर्चा करके इस बात का महत्व बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने केवल इतना कहा कि उनके पक्ष में भी यही होगा कि इसकी उचित जांच हो जाए, न्यायिक जांच हो, विजिलेंस करे, सीबीआई करे, कोई करे, ताकि तथ्य सामने आ जाए। मान लो झूठा आरोप है तो उनको क्लीन चिट मिल जाएगी। और वो इतने उतावले क्यों है कि जल्दी से संन्यास लेने की बात, वो ऐसा करना चाहते हैं कि महत्व कैसे बढ़ेगा। तो मेरे बारे में बात करके, जब मैंने कहा ही कुछ नहीं, मैंने कहा कि जो डॉक्यूमेंट सरकार को मिले हैं, राज्यपाल को मिले हैं, उसकी जांच हो जाए, इसमें आपत्ति हो सकती है। चीफ मिनिस्टर के और कल चीफ मिनिस्टर ने खुद कह दिया कि जांच करेंगे, अब इंतजार करें जांच की, जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार काम कर लें। वो जमीन खरीदे वो या ना खरीदे वो, जो राजनीति छोड़ू मैं उसके लिए। प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में कर्ज के लिए किए गए आवेदन पर बोलते हुए प्रोफेसर धूमल ने कहा कि प्रदेश को केंद्र सरकार से अथाह धन मिल रहा है, बावजूद इसके राज्य सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है और इसमें मिसमैनेजमेंट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कर्ज तले डुबोया जा रहा है। हाँ, मैं मानता हूँ कि प्रदेश में इतना पैसा आने के बावजूद, विकास के कार्य ठप होने के बावजूद, कर्मचारियों को समय पर डीए ना मिलना, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिलना, पेंशनर्स एजिटेशन कर रहे हैं, पैसा जा कहाँ रहा है और कर्जा क्यों उठाया जा रहा है, ये चिंता का विषय है। केंद्र से भरपूर सहायता मिल रही है, आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है, मिसमैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस। वहीं फोरलेन प्रभावितों की मांग पर बोलते हुए धूमल ने कहा कि भाजपा फोरलेन प्रभावितों के साथ खड़ी है और उनकी सभी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार सत्ता में आती है तो प्रभावितों को अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी।